बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी पहली सूची में दो बातें साफ कर दी है। पहली, वसुंधरा के संभावित विद्रोह का अब डर नहीं है। दूसरी बात यह है, वसुंधरा समर्थकों का टिकट काटकर वहां पर सांसदों को टिकट देना। मीडिया में खबरें तो यह भी चल रही है, बीजेपी को वसुंधरा राज्य का विकल्प मिल गया है राजकुमारी दिया के रूप में। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव बिना वसुंधरा के भी जीत रही है। ऐसे में वसुंधरा राज्य और जो उनके समर्थन वाले नेता है उनके लिए समझदारी यही है कि वह इस मौके पर चुप रहे। वहीं देखिए, भाजपा सूत्रों के अनुसार इस बार पार्टी चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है, इसीलिए टिकट बांटते समय केवल जीत के फैक्टर पर ही ध्यान दिया जा रहा है। किसी नेता का करीबी होना जीत की गारंटी नहीं है। विपक्षी दल के उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए उसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। जिस तरह से भाजपा आलाकमान ने अपने एक सूत्रीय कार्यक्रम कमल ही चेहरा है और कमल ही उम्मीदवार है की तर्ज पर सभी पद के महत्वाकांक्षी नेताओं के पर कतर कर अपने कठोर संकेत दिए हैं। पहली लिस्ट में आपने देखा होगा जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के अत्यंत नजदीकी राजपाल सिंह शेखावत, कालूलाल गुर्जर सहित कई समर्थकों का टिकट काटा गया था, वह अपने आप में सीधा संकेत है कि पार्टी को जीताऊ चेहरों पर ही दाव लगाने से कोई संकोच नहीं है और पार्टी अब किसी भी तरह के दबाव में किसी समर्थक विशेष को टिकट नहीं देगी। अच्छा, मीडिया में खबरें अब यह भी छपने लगी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य समर्थकों में कालीचरण सराफ, अशोक परनामी, यूनुस खान, अशोक लोहाटी जैसे लोगों के टिकट भी यदि कट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अच्छा, आजकल आप सोशल मीडिया पर खूब खबरें देख रहे होंगे कि यहाँ से इसको टिकट मिलेगा, चार पांच लोगों का इंटरव्यू भी ले लिया जाता है और कहा जाता है कि फलाने का पक्ष मजबूत है, यह कमजोर है, फलानी जगह से उसको टिकट मिलेगा। लेकिन सच्चाई आपको बताऊं तो यह सिर्फ अपने आप मनगढ़े अनुमान लगाए जाते हैं। कई लोग तो विशेषज्ञ भी बन जाते हैं कि यहाँ पर यह पार्टी मजबूत है, यहाँ पर यह कमजोर है। देखिए, पार्टियाँ सर्वे करवाती है, जैसे कांग्रेस ने 5 सर्वे करवाए थे उसी प्रकार भाजपा ने भी राजस्थान में कई सारे गुप्त सर्वे करवाए हैं, कई सारे समीकरण देखे हैं, उसी के आधार पर टिकट तय होंगे। लेकिन माना यही जा रहा है कि इस बार वसुंधरा राज्य और उनके समर्थक नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी और इसका जीता जाता उदाहरण आपने पहली सूची में ही देख लिया होगा। इसी आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि दूसरी सूची भी चौंकाने वाली होगी, कई लोगों के टिकट कटेंगे। हालांकि किसके टिकट कटेंगे इसको लेकर देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज नई दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में दूसरी सूची के नाम तय हो जाएंगे और सूची बनकर तैयार हो जाएगी। इस सूची को भाजपा एक बार इंतजार के लिए होल्ड पर रख सकती है, क्योंकि हो सकता है पहले कांग्रेस अपनी सूची जारी करे, उसके बाद भाजपा अपनी दूसरी सूची जारी करे। बड़ी खबर यही है कि दूसरी सूची में भी वसुंधरा राज्य को बड़ा झटका लग सकता है।